राजधानी में कई जगह छठ पूजन सामग्रियों का वितरण। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। राजधानी में कई जगह छठ पूजन सामग्रियों का वितरण लगातार किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता और साहू समाज के लोगों ने भी छठ पूजन सामग्री वितरण किया है, लोगों को शुभकामनाएं भी दी है। वहीं नगर निगम अस्थायी समिति के सदस्य इंद्रदीप चंद्रवंशी ने भी सैदपुर में 1000 पीतल के सूप का वितरण किया और लोगों को छठ की शुभकामनाएं दी। संदेश देना क्या चाहेंगे, हम तो बस छठी मैया से प्रार्थना करना चाहेंगे और यही कि सब लोगों का जीवन सुखमय हो, कामना है। और कार्यक्रम तो पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में हो रहा है, जहाँ जहाँ छठ रहा है और तमाम एक्टिविस्ट लोग या पूजा संस्थान जो है वो अपने अपने क्षमता अनुसार जो है अपने सोच के हिसाब से पूजन सामग्री वितरण कर रहे हैं। और हमने भी चूँकि हमने भी ये तय किया है कि पूजन सामग्री जो है और पीतल का सूप इसलिए हमने तय किया था कि चूँकि मेरी अपनी सोच में जिस जगह पे आप खड़े हैं, ये बेघरों का घर नंद नगर कॉलोनी का इलाका है, विशुद्ध रूप से सलम का इलाका है। मेरी पैदाइश इसी सलम में हुआ है, मैं आज भी पला बढ़ा इसी सलम में और एक गरीब की ज़रूरत क्या होती है इसकी समझ मुझे है। उसके हिसाब से मैंने ये तय किया था कि अगर भगवान का भी सामर्थ्य देगा तो मैं चूँकि मैं जिस क्राइसिस को मेरे घर में मेरी माँ चुकी रही नहीं तो माँ छठ किया करती थी तो उस समय यही देखा है कि सूप लेने के लिए कई साल सोचना पड़ा था कि सबसे अड़ग देंगे। ऐसी परिस्थिति में हमने ये तय किया था कि जब हम अपने घर में इस क्राइसिस को हमने छेड़ा है तो कई लोग इस क्राइसिस तो मैंने बस एक छोटी सी खुशी देने का प्रयास किया अपने वार्ड और पीतल का सूप इसलिए मैंने एक प्रयास किया था कि ताकि एक शुद्ध मेटल होता है और छठ में पीतल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेटल है, इसीलिए हमने ये तय किया था कि पारंपरिक जो से जो सूप निकल होते हैं उससे अलग कुछ प्रयास किया जाए। इसी प्रयास के तहत हमने प्रयास किया है और 1011 सूप जो है हमने अपने वार्ड के लोगों के लिए विशेष करके हमने वितरण करने का प्रयास किया। इस न्यूज के प्रस्तुतकर्ता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।